इस रिमझिम बारिश में तो सभी का मन करता है कुछ चटपटा खाने का। ऐसे में अगर पुनेरी मिसल पाव खाने को मिल जाए तो क्या कहने। आज हम आपके साथ पुणे की प्रसिद्ध मिसल पाव बनाने की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, निशा मधुरिमा रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ पुनेरी मिसल पाव बनाने की एकदम स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्वाद के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम मिसल बनाकर तैयार करेंगे। मिसल बनाने के लिए हमने यहाँ एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो थोड़े कम ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। इसमें 1/2 छोटा चम्मच सरसों के दाने डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। इसे अच्छे से चटकने देंगे। राई और जीरा अच्छे से चटक चुका है। इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग डालेंगे। इसे मिला देंगे। इसमें अभी हम एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, प्याज थोड़ी रोस्ट हो चुकी है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से पक चुकी है। इसमें अभी हम 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसे मिला देंगे। टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसलिए हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और बीच में इसे 1-2 बार चला देंगे। 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन हटाएंगे। देखिए टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसमें बाकी के सारे मसाले डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट अनुसार लाल मिर्च कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि सारे मसालों का कच्चापन निकल जाए। 1 मिनट पूरा हो चुका है, मसाले अच्छे से सीख चुके हैं। इसमें अभी हम 1 कप अंकुरित मटकी डालेंगे। मैं यहाँ कच्ची मटकी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला देंगे। हमने इसे अच्छे से मिला दिया है। इसमें अभी हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे ढककर बिना पानी डाले ही 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन हटाएंगे। देखिए अभी यह मटकी काफ़ी सॉफ्ट लग रही है और थोड़ी जूसी भी लग रही है। हमने इसमें कोई भी पानी नहीं डाला है। इसमें अभी हम 1/2 कप पानी डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे या फिर मटकी के सॉफ्ट होने तक इसे पका लेना है। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन खोलेंगे। देखिए मटकी अच्छे से पक चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी हमारी मिसल बन के रेडी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। चलिए अभी कट बनाना शुरू करते हैं। कट बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ मसाले रोस्ट करने हैं। हमने गैस पर एक पैन रख दिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे। इसे अभी हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमें इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, नारियल अच्छे से सिक चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने सेम पैन ले लिया है, इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। हमने यहाँ 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे छीलकर लंबाई में काट कर रखा है, इसे भी डाल देंगे। 1 हमने बड़ी साइज़ की प्याज ली है, इसे लंबाई में काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। 4 से 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, प्याज अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, थोड़ी ट्रांसलूजेंट लग रही है। इसी समय हम इसमें 1 लंबाई में कटी हुई टमाटर डालेंगे। अभी हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे।
और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि टमाटर और प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसका ढक्कन हटाएंगे। टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्याज और टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, इसे नारियल वाले मिक्सर के जार में निकालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है, देखिए इस तरह से फाइन पेस्ट हमें चाहिए। चलिए अभी हम कट बनाना शुरू करते हैं। हमने सेम पैन गैस पर रख दिया है, इसमें अभी हम 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। कट बनाने के लिए हमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही चाहिए होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद ना हो तो आप थोड़े कम ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें आधा छोटा चम्मच राई डालेंगे, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। राई और ज़ीरे को अच्छे से चटकने देंगे। राई और ज़ीरा अच्छे से चटक चुका है, इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग डालेंगे, इसे अच्छे से मिला देंगे। इसमें अभी हम प्याज और टमाटर वाली पेस्ट डालेंगे, इसे अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इस ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर किनारों से ऑयल छूटने तक पका लेंगे। जब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाती है तभी हमारा जो कट है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। 4 से 5 मिनट पकने के बाद देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है, किनारों से ऑयल छूटना शुरू हो गया है। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें अभी हम 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये जो मिसल पाव का कट होता है थोड़ा स्पाइसी होता है, लेकिन आप लाल मिर्च अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, नमक हमने पहले भी डाला है, इसी अंदाज से हमें नमक डालना है। इसे अच्छे से मिला देंगे। इसमें अभी हम 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिला देंगे। इसे अभी हम मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि सारे मसालों का कच्चापन निकल जाए। 1 मिनट पूरा हो चुका है, मसाले अच्छे से सीख चुके हैं। इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने मिक्सी के जार में जो मसाले पीसे थे उसी में थोड़ा सा पानी डाला है, वो पानी इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे और फिर से इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इसे अच्छे से मिला देंगे। इसमें अभी हम 2 कप पानी डालेंगे। ये मिसल पाव का जो कट होता है वो थोड़ा पतला ही होता है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। आप चाहे तो 2.5 से 3 कप पानी भी इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे अभी हम ढककर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसका ढक्कन हटाएंगे। वाव, देखिए ये कट बहुत अच्छे से पक चुका है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है, और इसमें ये जो तरी है ये भी बहुत अच्छी आई है। पुनेरी मिसल पाव के लिए कट बनकर रेडी है। चलिए इसे अभी हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। पुनेरी मिसल पाव बनाने के लिए अभी हमारा कट बन के रेडी है। इसे हम ट्रेडिशनल तरीके से सर्व करने वाले हैं। इसमें हम थोड़ा सा फरसान डालेंगे। लीजिए अभी ये सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। चलिए इसे सर्व करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में सबसे पहले हम थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी डालेंगे। ये नॉर्मल आलू की सब्ज़ी है जो हमारे घर पर बनती है। इस पर अभी हम मिसल डालेंगे, इसके ऊपर कट डालेंगे। अभी हम इस पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और अभी इस पर ढेर सारी फरसान डालेंगे। आपको जितनी फरसान पसंद हो आप उतनी फरसान इस पर डाल सकते हैं। फिर से इस पर हम थोड़ी सी मिसल डालेंगे, इस पर थोड़ा सा कट डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, ढेर सारी फरसान डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सबसे लास्ट में अभी हम डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। लीजिए हमारी पुनेरी मिसल पाव बनकर रेडी है। इसे हम पाव के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे तो इस पाव को थोड़ा सा रोस्ट करके भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन होटल में इसे ऐसे ही सर्व किया जाता है। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी ये लग रही है, इसे खाने का मन कर रहा है। अभी मैं इसे खाकर देखती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनी है। वाओ, बहुत ही मज़ेदार तीखी चटपटी पुनेरी मिसल पाव मुझे बहुत पसंद आई है। उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए
और इस बारिश में ही नहीं तो आपका जब मन करे तब आप इसे बनाइए और खाइए। घर में छोटे बड़े सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए और आपको ये रेसिपी कैसे लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चटपटी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह से और भी मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।